मेरे पीछे आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर दिख रही होगी। ये तस्वीर गोपालगंज की है, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। गोपालगंज इस वजह से खास है क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है। गोपालगंज के फुलवरिया से लालू प्रसाद यादव आते हैं, और आज गोपालगंज इस वजह से भी खास है क्योंकि गोपालगंज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू के प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहां जाकर जंगल राज का जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार कैसा हुआ करता था, 2005 के पहले कितना जंगल राज था, और उसके बाद जब हम 2005 में आए बिहार आज कितना बदल गया है। लालू प्रसाद यादव के गृह जिले में लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के पीछे इतना क्यों पड़ गए? दो बार बार 2005 का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अपने कार्यकाल के ढेर सारे काम हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस काम पर भी वोट ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की याद दिलाना क्यों इतना जरूरी है? मेरे साथ गणेश सम्राट जुड़े हैं, हम इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी एजेंडे में जंगल राज इतना क्यों जरूरी है। बिल्कुल न्याय देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाल के दिनों में जो भी चुनावी जनसभा कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के लोगों को खास तौर पर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 2005 के पहले क्या था। नीतीश कह रहे हैं कि 18 साल हमारे शासन के हो चुके हैं, लेकिन आज जो 18 साल के बाद जो नौजवान होगा वो वोट देने के लिए वो अधिकृत होगा, वो वोट दे सकता है, तो पहली बार वो वोटर भी होगा। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब वो पैदा हुआ उसके बाद से लेकर अब तक उसने कभी देखा नहीं होगा कि बिहार में 2005 के पहले क्या है। वो जब से होश संभाला है तब से वो मुझे ही देख रहा है, मेरे कामकाज को देख रहा है, बिहार की बदलती तस्वीर को देखा उसने, लेकिन उसको ये बताना होगा कि इसके पहले बिहार के हालात क्या हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से हर जनसभा में इस बात के चर्चे करते हैं कि 2005 के पहले बिहार में क्या था, ये बातें जाकर लोगों को बताइए, ये सीधे तौर पर ये बताता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासन काल के वक्त का जो बुरा साया था उस साये से लोगों को डराने की बात कर रहे हैं। मुझे याद है कि कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते थे कि पहले 2005 के पहले लोग क्या कहता था, गांव के जो बुजुर्ग होते थे, जो महिलाएं होती थी, वो कहती थी कि बच्चे अगर रात में रोते थे तो रो नहीं तो भूत पकड़ लेगा, लेकिन जब से हम बिजली लेकर आए और गांवों में जब उजाला रहने लगा तो भूत भाग गया। तो मुख्यमंत्री सही बात कहते थे, 2005 के पहले बिजली की समस्या थी, अंधेरा था तो भूत ज़्यादा था, 2005 के बाद रोशनी दिखी तो भूत तो भाग गया। लेकिन फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी भूत का भय क्यों दिखा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है नेहा। बिल्कुल गणेश, क्योंकि 2005 के बाद बिहार में वाकई विकास हुआ है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के बाद तस्वीरें बदली हैं, बिल्कुल बदली है। सड़क बना, सड़क का जाल बिछाया गया, बिजली आई, महिलाएं बाहर निकली, महिलाओं के साथ जो रोजगार, पढ़ाई, ये तमाम चीज़ें जुड़ी, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार 2005 पर अटके हुए हैं। 2005 के पहले का लालू राबड़ी राज जरूर याद दिलाना चाहते हैं, और आज भी जब गोपालगंज गए, गोपालगंज इस वजह से भी खास है क्योंकि लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, फुलवरिया से लालू प्रसाद यादव आते हैं, और वहां जाकर लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करना, लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की याद दिलाना, बिल्कुल नेहा यही सबसे खास बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में घूम रहे थे, हर जगह से वो यही बात कह रहे थे कि 2005 के पहले वाली बात आप लोगों को बताइए। लेकिन जब नीतीश कुमार गोपालगंज गए, गोपालगंज के जिस जगह पर वो चुनावी जनसभा कर रहे थे कुचायकोट, वहाँ से फुलवरिया की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार की सभाओं में केवल कुचायकोट के ही लोग होंगे, फुलवरिया और आसपास के जो लोग हैं वो जरूर आए होंगे, और लालू राबड़ी के शासनकाल को देखे हुए लोग भी आए होंगे। लेकिन नीतीश कुमार को ये बात अच्छे से पता है कि गोपालगंज में अगर हम लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के शासनकाल के खिलाफ अगर हम ये बातें करते हैं तो जो उनके वोटर होंगे उनके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा, वो जाकर लोगों के बीच में बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव के गोपालगंज में जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब यहाँ की तस्वीरें क्या थी, और आज जब वो सत्ता से दूर हैं उसके बाद फुलवरिया और गोपालगंज की तस्वीरें किस तरीके से बदली हुई है, और ये तस्वीरें नीतीश कुमार ने बदला है, और अभी भी अगर लोग उनको मौका देंगे तो और इससे बेहतर होगी। तो नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि जब भी वो चुनावी जनसभा करते हैं तो अपनी योजनाओं की तो चर्चा करते हैं कि हमने 2005 के बाद क्या नहीं किया, जो
का जो कब्रिस्तान की घेराबंदी की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, या सड़कों के जाल की बात करते हैं, विकास के मामले में शिक्षा के को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो काम किया उसकी उसको गिनवाते हैं, जीविका की चर्चा मुख्यमंत्री हर जगह करते हैं, लेकिन गोपालगंज में जाकर लालू प्रसाद यादव के लोगों के बीच पहुंचकर कहा जाता है गोपालगंज क्योंकि लालू राबड़ी का घर है, तो वहां पर उनके खिलाफ जाकर नीतीश कुमार ने जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से अगर बिहार के दूसरे जिला में नीतीश कुमार ये बातें कह रहे थे तो बहुत प्रभावी नहीं हो सकता, लेकिन गोपालगंज में लालू प्रसाद यादव के घर में अगर उनको डैमेज कर रहे हैं तो ये बड़ा असर होगा। 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, 2009 का लोकसभा का चुनाव, इसके साथ ही जो 10 का विधानसभा के चुनाव की बात करें, 15 के विधानसभा के चुनाव की बात करें, 20 के विधानसभा के चुनाव करें, एक दौर था जब लालू राबड़ी शासनकाल में सिवान गोपालगंज, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिवान भी गए थे, तो ऐसे में वो दौर था कि लालू राबड़ी के शासनकाल के बाद या राष्ट्रीय जनता दल के जो समर्थक होते थे वो हर विधानसभा सीट पर चुनाव जीत जाते थे, हर लोकसभा की सीट पर उनके लोग होते थे तो वो जीत जाते थे, लेकिन तस्वीरें बदली। नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए तब से लालू राबड़ी को झटका लगना शुरू हुआ। लालू प्रसाद यादव के उम्मीदवार जब भी चुनाव के मैदान में उतरे तो लालू सफल नहीं हो पाए। नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में रहे तो उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आते रहे। इस बार अगर बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें, उस वक्त भी जेडीयू को सफलता मिली, या फिर ये कहें कि सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल को उसमें नुकसान हुआ था। 2015 के विधानसभा के चुनाव में भी राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान हुआ। 2020 के चुनाव में और 2022 के पहले जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जब नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल के साथ मौजूद थे उस वक्त भी तेजस्वी यादव को सफलता नहीं मिली थी। हालांकि तेजस्वी लंबे समय के बाद चाहते थे कि गोपालगंज की एक विधानसभा की सीट पर उनके उम्मीदवार जीत जाए, और उन्होंने हालांकि वहां पर जो बीजेपी के जो विधायक थे उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी, तो वहां वापस से बीजेपी चुनाव जीत गई जबकि नीतीश कुमार साथ नहीं थे। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर बीजेपी के साथ जब भी गए हैं तो उनकी स्थिति और मजबूत हुई है, और गोपालगंज लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लोगों तक पहुंचाना या उसकी खामियों को गिनाना नीतीश आज भी नहीं छोड़ रहे हैं। नीतीश आज भी गोपालगंज और सिवान के लोगों को ये बताकर आ रहे हैं कि उनके शासनकाल के पहले बिहार के सिवान और गोपालगंज के अलावा बिहार के दूसरे राज्यों की स्थिति क्या थी, दूसरे जिलों की स्थिति क्या थी, और बिहार देश भर में किस तरीके से एक अलग छवि के साथ दिख रहा था। तो जाहिर सी बात है कि गोपालगंज को लेकर नीतीश कुमार ने पूरी योजना के साथ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का जो मुहिम चल रहा है, जो लगातार तेजस्वी या लालू दावे कर रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर लोगों का समर्थन मिल रहा है, बीजेपी के खिलाफ लोगों का समर्थन मिल रहा है, उन तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से अलग नीतीश कुमार विकास के मुद्दे पर बात करने के लिए आज गोपालगंज में जिस तरीके से बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 2005 के पहले क्या था और 2005 के बाद क्या होता, तो तुलनात्मक दृष्टिकोण से नीतीश कुमार ये बताने में गोपालगंज में सफल आज दिख रहे थे कि वो लालू से बेहतर शासन काल में काम किए हैं और लालू राबड़ी के शासन से बेहतर वो शासन चला रहे हैं, और आगे भी उनको या उनके लोगों को मौका मिला, क्योंकि नीतीश कुमार आखिरी शब्द यही कह रहे हैं कि ये जो मेरे उम्मीदवार हैं ये और बेहतर काम करेंगे। तो नीतीश को इस बात की उम्मीद है कि और बेहतर काम होगा, लेकिन सवाल यही कि बेहतर काम नीतीश करे ठीक है, लेकिन नीतीश बेहतर काम करने के पहले लालू राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाना नहीं बोल रहे, और खासतौर पर नौजवानों को जो नए वोटर हैं उनको याद दिला रहे और कह रहे कि आप जाइए घर घर लोगों को बताइए कि 2005 के पहले कैसा हालात था। नेहा बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जहाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं इस बात का तो जिक्र करते ही हैं कि हमने कितना काम किया है, लेकिन हर जगह जंगल राज की याद जरूर दिलाते। आज भी जब गोपालगंज में गए तो वहाँ भी उन्होंने युवाओं को अपना टारगेट बनाया और कहा कि आप लोग तो अभी आए हैं और अभी आप लोग अच्छे से अगर नहीं सुनेंगे कि हमने कितना काम किया है 2005 के पहले बिहार कैसा हुआ करता था, कितना जंगल राज था और हमने कितना बिहार को बदला, अगर आप अभी नहीं सुनेंगे तो फिर ये लोग बीच में कुछ बोल देगा तो आप हमसे सवाल कीजिएगा, इसलिए अच्छे से यहाँ पर सुनिए। और नीतीश कुमार लगातार ये भी कहते नजर आए कि हम जो जो काम करवाए हैं इसे पत्रकार लोग भी छापे, मीडिया पर भी उनका बड़ा टारगेट रहता है कि आप लोग छापते नहीं है, मेरे काम को दिखाइए कि ताकि जो अभी का जनरेशन है वो समझ पाए, उनको पता चल जाए कि नीतीश कुमार ने कितना किया है। बिल्कुल, नीतीश चाहते हैं कि लोगों को पता चले कि उन्होंने किस दौर से काम करना शुरू किया और उसके बाद की तस्वीरें क्या है, हालात किस तरीके से बदले हैं। बिल्कुल गणेश, जब आप जेडीयू के जितने ऐड को भी देखिएगा, हर ऐड में इस बार के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जितना ऐड बनाया गया, जितना विज्ञापन दिया गया, उन तमाम विज्ञापनों में यही जिक्र किया गया है कि 2005 से पहले बिहार क्या हुआ करता था और 2005 के बाद
नीतीश कुमार ने कितना विकास किया है बिहार? बिल्कुल नेहा, जनता दल यूनाइटेड का पूरा एजेंडा है, भले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू अपने एजेंडे में है कि हमने अब तक क्या किया है और लालू राबड़ी ने अपने शासनकाल में क्या किया था। तो वो 90 से 2004 का दौर याद दिलाते हैं, नीतीश कुमार 5 का दौर याद दिलाते हैं, और 2005 से लेकर 2022-24 का दौर याद दिला रहे हैं। तो नीतीश कुमार अपने किए हुए काम और लालू और राबड़ी शासनकाल के नाकामियों को गिनाकर एक बार फिर से लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल करने की दिशा में वो लगातार ये बातें कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हर राजनीतिक दल अपने किए हुए कामों की चर्चा करता है और विरोधियों की नाकामियों को गिनाता है, लेकिन नीतीश इस मामले में बिहार में 2 कदम आगे दिखाई पड़ रहे हैं भाजपा की अपेक्षा। खैर, देखना दिलचस्प होगा गणेश, लगातार चुनाव बीतता जा रहा है। 5वें चरण का चुनाव 20 तारीख को है और उसके बाद 6वें और 7वें चरण का चुनाव है। नीतीश कुमार जिस भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं वहाँ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की याद दिला रहे हैं, तुलनात्मक इनका मुद्दा है। और ऐसे में क्या जनता नीतीश कुमार के कहे गए दावे और कहे गए वादे पर विश्वास करती है, या फिर तेजस्वी यादव जिस तरीके से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं, ऐसे में जनता का क्या रुख होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।